बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास इंग्लिश 8, बेटा आज यूनिट 7 का मापस लास्ट पैराग्राफ है, इसके साथ हम एक्सरसाइज भी करेंगे। पहले रीडिंग करते हैं, आएँ देखें। डोंट क्राई मदर, मदर चिल्लाए मत। वी आर ऑल हेयर, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। ऑल सेफ एंड साउंड, बिल्कुल खैरियत से। व्हाट जॉय एंड हैप्पीनेस देयर वॉज इन द वुड कटर्स कॉटेज डैट नाइट, उस रात लकड़ा रे के झोंपड़ी या खेमे में किस कदर खुशी थी। एंड व्हाट अ फीस्ट दे ऑल हैड एज ए सैट अराउंड द टेबल, और उन्होंने उस रात खाने में कितनी अच्छी दावत की। द वुड कटर हिज वाइफ एंड ऑल देयर 7 सन्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद लकड़ा रहा उसकी बीवी हमेशा खुशवाश रहे। वेल डन लिटल मिर्चू, शाबाश नन्हे मिर्चू। बेटा यहाँ पर हमारे लेसन की रीडिंग ख़त्म हो गई है, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज हमारे पास टेक्स्ट बुक पेज पे 42 पे है, जबकि हमारे पास ग्रामर पेज में 470 पे। सबसे पहले बेटा देखें ग्लॉसरी, आपके सामने एक स्लो मूवमेंट है, आपको हर वर्ड का मीनिंग नज़र आ रहा है। आपने सिर्फ 2-3 मरतब पढ़ेंगे तो ये वर्ड मीनिंग आपको याद हो जाएंगे। बेटा उसके बाद एक्टिविटीज़ में हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आंसर हैं। बेटा क्वेश्चन आंसर आपने याद नहीं करने, सिर्फ 2-3 मरतब पढ़ने हैं, ताकि अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इनको कर लें। बेटा याद नहीं करने, सिर्फ 2-3 मरतब पढ़ने हैं, ना ही इनको लिखने की ज़रूरत है। तो देखें, क्योंकि बास का इसमें से ऑब्जेक्टिव में कोई पॉइंट आ जाता है तो आपको वो कवर हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाएगा पेज 473 पर बी पार्ट। बी पार्ट में बेटा उसने कहा है कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वाले जो आपके सामने दिए हुए हैं, इसमें नीचे वर्ड चूज़ करके इसको आपने फिर दी ब्लैंक करना है। बेटा देखें, हर लाइन जो है फिर दी ब्लैंक की हुई है, जो वर्ड दिया है उसको अंडरलाइन किया हुआ है, सामने इसकी उर्दू दी हुई है, आपको इसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटी सी एक्सरसाइज है, ये बड़ी आसानी से कवर हो जाएगी। और उसके बाद सी पार्ट में उसने कहा रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द करेक्ट आंसर। बेटा देखें, ये भी आपके सामने है, ए वन का टिक जो है, इसके आंसर नीचे दिए हुए हैं, वो ए पार्ट है। टू का सी पार्ट है, 3 का बी पार्ट है, 4 का सी पार्ट है, और 5 का बी पार्ट है। आंसर भी आपके सामने हैं और आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा उसके बाद देखें लिस्ट है, जिसमें कि आपने कॉलम मैच करने हैं ऑपोजिट मीनिंग के हवाले से। इसमें लिस्ट ए बी और आंसर सामने दिए हुए हैं, ये पेज 473, 474 और 475 पे हैं। और बेटा यहाँ पर आके हमारी एक्सरसाइज भी आज ख़त्म हो गई है। सो हमारे पास इस लेसन में करने के लिए और कुछ नहीं है। थैंक यू, बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज़।